हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज की मेरी रेसिपी है केले के मालपुए। तो जो ओवर राइप केले होते वो बच्चे खाना नहीं चाहते, हम बड़े भी नहीं खाना चाहते। तो उसको आप इस तरह से मालपुआ की तरह बनाओ, या बनाना लोफ भी बना सकते हो। तो मैंने आज मालपुआ बनाया, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चे बूढ़े मिनटों में चट कर जाएंगे। तो इसमें मैंने 1 ओवरराइप बनाना ले लिया था, उसको फोक से स्मैश कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, अराउंड 2.5 कप जैसा मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, उसको अच्छे से एक मिक्स देना है। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा मैं कितना, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ। तो इसको अच्छे से एक मिक्स देना है ताकि वो अच्छे से पूरे मिक्स हो जाए बनाना के साथ। उसके बाद मैं ऐड करूँगी अराउंड स्मॉल स्पून ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ काजू ही डाला था, और ये सौफ है, हम बंगाली में मोरी बोलते हैं, फेनल सीड्स, ये किशमिश है, इसको मैं यहाँ पे कलरफुल किशमिश मिलते तो मैं कलरफुल ले आती हूँ। उसके बाद इससे एक मिक्स देना है अच्छे से, फिर मैं इसमें अराउंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क ऐड करूँगी। आपको बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं करना। अगर पतला करोगे तो वो जैसे ही आप ऑयल में डालोगे वो छितर जाएंगे, और अगर बहुत मोटा डालोगे तो वो भारी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे। तो ऐसा बैटर रखो कि वो बहुत हैवी भी ना हो और बहुत थिन भी ना हो। इस तरह से तो मैंने अराउंड 1 ग्लास तो ऐड किया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर फिर आपको लगे कि बैटर मोटा है फिर भी थोड़ा थिक होगा, तो आप फिर से अपने हिसाब से वो ऐड कर सकते हो मिल्क। बट यहाँ पे मैंने पूरा मिल्क ही ऐड किया है, मैंने कोई वाटर यूज़ नहीं किया। आप इसमें इसको जैगरी से भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे शुगर से बनाया है। यहाँ पे अब मैं सूखे नारियल ग्रेट करके डालूंगी, मेरे पास सूखे नारियल रखे थे घर पे, उसको मैं ग्रेट करके अब डाल दूँगी। नारियल से भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है, अच्छा सा फ्लेवर होता है, वो मुँह में जाते ही अलग सा पता चलता है। आप स्किप करना चाहो तो आप आराम से नारियल को स्किप कर सकते हो, कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं अराउंड 1 स्पून और अनदर 1/2 स्पून जैसा शुगर डालूंगी। अगर आपको शुगर नहीं पसंद है तो आप गुड़ से भी बना सकते हो, अगर आपके पास पाउडर्ड गुड़ है तो ईजिली वो आप इसमें मिक्स कर सकते हो ऐसे ही। बट अगर आपके पास पाउडर गुड़ नहीं है, आपके पास वो गुड़ है जो मार्केट में मिलते हैं, तो उसको आप पहले से गला के रखो गर्म पानी में, तो इसमें मिक्स करने में इजी हो जाती। तो मैंने बैटर रेडी कर लिया, मेरी ऑयल भी गर्म हो गई है, अब इसमें मैं धीरे धीरे पुए फ्राई करूँगी। 1 स्पून जैसा मैंने इसमें डाला बैटर, और एकदम परफेक्ट बैटर था मेरा, ना बहुत थिक था ना बहुत थिन था। तो ये कितने अच्छे से फूल आई, देखो ये कितने अच्छे से फूल के अपने आप ही आ गई। इसी तरह से मैं अपने पूरे जितने भी है वो फ्राई कर लूँगी धीरे धीरे। तो 2-4 फ्राई करके दिखाती हूँ कैसे इनको फ्राई करने हैं। तो और आप इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा खींचती है, तो आप इस तरह से उसको पकड़ के रखो तो ऑयल भी निकल जाते हैं आराम से, जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाते हैं। और फिर आप टिशू पे रख दो, टिशू तो सोक कर ही लेती जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है। तो देखो दूसरा वाला भी कितने अच्छे से वो फूल आया है, और फिर ऊपर से आप उसमें तेल मारोगे ना तो और अच्छे से वो फूल जाते हैं। तो देखो ये कितने अच्छे से मेरे बन के आ रहे हैं, आप भी ट्राई करना घर पे बना, अगर बनाने आपके ऐसे हो जाते आप कोई नहीं खाना चाह रहे, आप ऐसे ट्राई करना। या तो आप पैनकेक जैसा भी बना सकते हो, बनाना पैनकेक, वो भी बहुत अच्छे बनते उस, अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद ना हो। बट अगर आप फ्राई चीज़ें पसंद करते हो आप इस तरह से बना के ज़रूर खाना, स्पेशली ठंड में ये सब अच्छी लगती है। बट अभी तो गर्मी है, तो अभी फिर भी आप ट्राई करना कभी शाम के नाश्ते में, बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे ये।
तो देखो मेरे सारे पुए बन के रेडी हो, कितने अच्छे से बन गए, ना टूटे ना कुछ, एकदम परफेक्ट बन के आए। तो आप भी ट्राई करना घर पे, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी सिंपल सी इजी वे में। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो आज के लिए इतना ही, होप्स आप सब ने बहुत एंजॉय किया है। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।